नमस्ते सस्रियाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी रिजवान सर का, शॉकिंग ईरान सुप्रीम लीडर इंडोर्स ऑफ 7 अक्टूबर स्लॉटर्स ऑफ ज्यूज। चलिए मिलके देखते हैं जी रिजवान सर क्या अपडेट लाए हैं, क्या नई चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ इस मुद्दे पर रिजवान साहब रखते हैं वो कोई और नहीं रहा। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहरीन ने जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी, बॉयकॉट करोगे? तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है? तुम्हें अल्लाह ने इतना ईमान दिया है? तो भाई ये बात तो मुसलमानों के दिल में थी, दिल्ली में रहने देते यार, कि 7 अक्टूबर की घटना से एक आम मुसलमान को बड़ी खुशी थी, बोलने की क्या जरूरत थी? Why Israel is not accepting ceasefire today? जब जांग लगी फटने तो खैरात लगी बटने। आप लोगों ने बैरल बॉम्ब्स के बारे में सुना है? मुसलमान भाइयों सुन रहे हो ना? तो साहब जुमे के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खुमानी साहब ने 5 साल बाद ईरान की जनता के साथ सामने रूबरू होते हुए, वही जनता जिसकी महिलाओं को हिजाब ना पहनने के लिए लाठी डंडों से मार दिया जा रहा था और फायरिंग कर करके लगभग 600 लोग मार दिए थे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में, उसी जनता के सामने 5 साल बाद रूबरू हुए। और रूबरू होते हुए खमानी साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और गलती के साथ साथ आप लोगों को यह बताऊंगा कि किस तरह से ईरान, लिबनान और हूती मिलके पैलेस्टीन के अपने इस्लाम के एक दूसरे समुदाय के लोगों का किस तरीके से नुकसान कर रहे हैं, और एविडेंस के साथ और तर्क के बाद साथ बताऊंगा कि जो मैं ये बोल रहा हूं, ये बोलने वाला मैं अकेला नहीं हूं, बहरीन में भी ये आवाज उठ रही है और सीरिया में तो एक वारदात को लेके, घटना को लेके मिठाई बटी थी। तो एविडेंस के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि किस तरीके से खुमानी साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और किस तरीके से इस्लाम का एक विशेष समुदाय, इस्लाम के दूसरे विशेष समुदाय का, उसका हम सफर बनकर, उसका हमदर्द बनकर किस तरह से अंदर अंदर उसकी जड़ों में तेजाब डाल रहा है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? इससे पहले आगे बढ़ूं, लेबनीज प्राइम मिनिस्टर सुनिए क्या बोल रहे हैं। We have to look for a ceasefire. That my message. Stop fighting. We don't need more blood. We don't need more destruction. That's my message to anyone I'm calling. Let just my another I put ceasefire in another way. Why Israel is not accepting a ceasefire today? जब जांग लगी फटने तो खैरात लगी बटने। सो साहब लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को हिजबुल्ला से अलग मानते हैं, लेबनान की आर्मी अपने को हिजबुल्ला के मिलिशिया या आतंकियों से अलग मानती है, अब वो फ्रस्ट्रेशन में गुहार लगा रहे हैं कि ये जंग रोक क्यों नहीं रही है, सीजफायर हो क्यों नहीं रहा है, और वो पूछ रहे हैं कि इसराइल सीजफायर कर क्यों नहीं रहा है। अच्छा 11 महीने से जब हिजबुल्ला रॉकेट पर रॉकेट और रॉकेट पर रॉकेट मारे जा रहा था, तब तुम्हें बेटा ये अकल नहीं आई थी? जब तुम्हारी जांग लगी फटने तो खैरात लगी बटने, तो तुम में आ गई अकल? जब बेरूत लगा फटने और 1.5 मिलियन लोग यहां से लगे भागने और तुम होने लगे बर्बाद, तो तुम्हें ये सीज फायर की और अमन की और शांति की अकल आई है? जब बेटा तुम्हें 12 महीने से नहीं आ रही थी? पहले तो ये बात हो गई लेबनान की, अब चलते हैं ईरान। ईरान में खुमानी साहब ने जो 5 साल बाद अपनी जनता के सामने तकरीर करी है, उसमें यार वो एक बहुत बड़ी गलती कर गए, बहुत बड़ी गलती कर गए। बगल में राइफल रखी हुई थी, वैसे तो राइफल का कोई सेंस नहीं है बगल में रखने का, लेकिन बोलने वाले को ये हमेशा ध्यान होना चाहिए, यार ये तो सोचो ये राइफल बनाई किसने, तुम ये तो सोचो जो तुम ये बोल रहे हो ये दुनिया में तुम्हारी तकरीर जाएगी, ये टेक्नोलॉजी बनाई किसने, तुम यार उसी से बढ़ रहे हो, तुम उसी से उलझ रहे हो,
जिसने तुम्हारी पीछे रखी हुई राइफल की टेक्नोलॉजी बनाई और आगे आवाज जो जा रही है उसकी टेक्नोलॉजी बनाई। मतलब अजीब जिद है यार, अपने को बर्बाद करने पर तुले हो। तो खुमानी साहब ने बोलते बोलते, अभी तक साथियों क्या नरेटिव था गाजा का, अभी तक आप लोगों ने जितना भी नरेटिव सुना होगा, मुसलमानों भाई तुम भी सुन लो, ये सुना होगा और तुमने भी यही बोल बोल के रीले बनाई थी कि हमास ने जो किया वो किया, एक आम बेगुना पैलेस्टीनियन पे ऐसे जुल्म इसराइल क्यों कर रहा है। वैसे कर वो इस मारे रहा है क्योंकि जुल्म करने वाले उन्हीं बेगुनाहों के बुरखों के नीचे छुप रहे हैं। आम तौर पर दुनिया में आपने ये देखा होगा, जब वॉर होती है तो फौज अपने जनता से कहती है कि तुम बंकर में चले जाओ, तुम नीचे टनल में चले जाओ। आमतौर पर यही देखा होगा, इसराइल में भी आप यही देख रहे हैं साहब। गाजा में उल्टा खेल खेला जाता है, लेबनान और बेरूत में उल्टा खेल खेला जाता है। वहां पर जो जंगी होते हैं, जिनको जियाला और जिहादी और गाजी बोला जाता है, उनकी यार इतनी बुरी तरह फटती है कि वो आम जनता को धक्का देके खुद नीचे बंकर में और टनल में घुस जाते हैं और आम जनता ऊपर मारी जाती है। ईरान के सुप्रीम लीडर यार ये बोल गए कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया वो ठीक किया, वो टेरर अटैक नहीं था, वो एक मिलिट्री अटैक था और हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसको एंडोर्स करना चाहिए। ओ भाई, ये बात तो मुसलमानों के दिल में थी, दिल्ली में रहने देते यार, कि 7 अक्टूबर की घटना से एक आम मुसलमान को बड़ी खुशी थी, बोलने की क्या जरूरत थी। तुमने तो ये बोल के इसराइल के जो जवाबी कार्रवाई हुई उस पर मोहर लगा दी। तुमने मिलिट्री कार्रवाई करी तो इसराइल ने मिलिट्री कार्रवाई करी, तुमने बेगुना मारे इसराइल ने बेगुना मारे, तुमने रॉकेट मारे इसराइल ने मारे, जिसके जितने दम था, जिसका जितना दम था या जिस पे ऊपर की ताकत जितनी मेहरबान थी उतने उसने दूसरे के उतने ज्यादा मार दिए। अबे तो हम तो यही बोल के मैं तो इस गंदगी से दूर रहता हूं, तुम तो ये बोल के चल रहे थे ना कि वो एक आतंकी हमला था और आतंकियों की सजा एक आम फिलिस्तीनी को क्यों दे रहे हो। पर भैया आपके सुप्रीम लीडर साहब ने उस पर भी मोहर लगा दी, यानी इसराइल की सारी बम्बार्डमेंट पर मोहर लगा दी, दोनों लड़ाई मिलिट्री ऑपरेशन हो गए। आतंक दोनों नहीं कर रहे, ना हमास कर रहा है ना इसराइल कर रहा है, किस्सा खत्म। ये गलती कर दी। अब जब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तो मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के साथ क्या किया था और उस समुदाय ने क्या किया था जिससे आजकल, जिस नेता से दूसरे समुदाय को भी आजकल इलू इलू हो गई है। हसन नजरुल्ला की बात कर रहा हूं। कल भी मैंने वीडियो में बताया था, थोड़ा डिटेल में बता दूं कि जब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया और अरब मुल्कों में जनता घरों के बाहर निकलनी शुरू हुई कि हमको भी आजादी चाहिए, तो यही चीज सीरिया में भी हुई जो तुनिसिया से शुरू हुई थी, लेबनान तक गई, लीबिया तक गई थी, वगैरह वगैरह। तो भाई जब ये लोग बाहर निकले तो जो असर था वो एक समुदाय का था और निकलने वाले एलेपो में दूसरे समुदाय के थे, सीरिया के एक हिस्से। यार इन्होंने असद के समुदाय ने, असद की फौज ने उस दूसरे इस्लामी समुदाय को बहुत मारा था। अप्रोक्सीमेशन में गूगल करके देखो, 5 लाख इसराइल ने 11 महीने में मारे हैं 45,000। वो तब जब लड़ा के बुरखों के नीचे छुपे हुए हैं, अगर ये ना छुपे होते तो इतने इसराइल कभी ना मारता। आप लोगों ने बैरल बॉम्ब्स के बारे में सुना है, मुसलमान भाइयों सुन रहे हो ना, हेलीकॉप्टर आता था, एक्सप्लोजिव बोल्ट छर्रे TNT उसमें भरी रहती थी, रात को आता था, बहुत ऊंची फ्लाइट होती थी, एक गांव पकड़ते थे, ऊपर से 5 बैरल बॉम्ब गिरा देते थे। बैरल बॉम्ब से एलेपो के एक समुदाय के मुसलमानों को दहशत हो गई थी, बहुत मारा था। और मैं तब बड़ा अफसोस करता था मेरे भाई, मेरे मुसलमान भाइयों। और सीरिया की जनता के अगर जाके तुम वीडियोस देखो, असद की फौज के साथ उस समुदाय इस्लाम के मुसलमानों को मारने वाले हिजबुल्ला के लड़ाके असद की सीरियन आर्मी के साथ लड़ रहे थे और शहर के शहर बर्बाद कर रहे थे, और उन्हें लड़ने के लिए जो हुक्म दे रहा था वो हसन नजरुल्ला दे रहा था। अब तुम लोग मुझसे उम्मीद करते हो मैं लोगों से नफरत नहीं करूंगा,
इंसान अगर मुझे मान लो तब भी नफरत करूंगा, मुसलमान मुझे मान लो मैं तब भी नफरत करूंगा। तेरा मारा था, तेरा मारा था। जब हसन नजरुल्ला की डेथ होती है, जब वो मारा जाता है, तो तुम्हें पता है मुसलमानों, सीरिया में एक समुदाय, मुसलमानों का समुदाय, उसके लोग मिठाई बांट रहे थे सड़कों पर, मिठाई। और तुम वीडियो जाके देखो, वो कह रहे थे इसराइल जो कर रहा है हम नहीं जानते, इन लोगों ने हमें इतना मारा था कि इनकी मौत पर हमें खुशी है। और बात ये सिर्फ ये नहीं है कि असद का समुदाय या हिजबुल्ला का समुदाय, या अब यहां तक तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक समुदाय की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो बिन पैदे का लोटा हूं, बिन पैदे का लोटा। तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि ईरान का समुदाय की मैं उंगली उठा रहा हूं और उनका गिरेबान पकड़ रहा हूं। ना 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 ना, इसी तरह मेरे समुदाय ने इराक में ईरान के समुदाय को और हिजबुल्ला के समुदाय को बहुत मारा था, बहुत मारा था। सद्दाम ने, जिसे तुम लोग हीरो मानते हो, 7,000 कुर्द, एक कुर्दिश विलेज पे, मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के मारे वो सीन नहीं दिखा पाऊंगा, हम बड़े छोटे थे और हम ये सब देखा करते थे मुसलमानों, और ये देख देख के हम बड़े हुए हैं। तुम्हारी तरह जहालत में हम बड़े नहीं हुए, इग्नोरेंस में बड़े नहीं हुए, अंधकार में हम बड़े नहीं हुए। तो रात को इन्होंने उसके ऊपर गैस अटैक किया, मेरे समुदाय के लोगों ने, दूसरे इस्लामी समुदाय के ऊपर 7,000 लोग सुबह मरे हुए मरे थे सड़कों पर, लाशें लाशें। तो उन्होंने भी मारा है, तो तभी तो तब तुम लोग ये आपस के भाई की बात करते हो ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मुझे तुम्हारे इस बात में जिहालत, इग्नोरेंस नजर आता है। तो मौके पर आता हूं, सीरिया में मिठाई बटी है नजरुल्ला हसन के बटने पर, और कुछ मुझे गाली देने वाले मेरे ही कोर्ट के नसरुल्ला हसन के को चाहने वाले, यार मैंने कम से कम मिठाई तो नहीं बांटी, मैंने तो अपना ओपिनियन दिया, वहां तो मिठाई बटी, और वहां मिठाई बांटने वाले यहूदी नहीं थे। साथियों बहरेन में पता है जुमे की नमाज नहीं होने दी, बहरेन भी एक समुदाय का ज्यादा है, दूसरा समुदाय थोड़ा कम है, तो वो जुमे की नमाज के दिन डेमोन्स्ट्रेशन करना चाह रहे थे ये हसन नजरुल्लाह के प्यार में। तो बहरेन के शेख ने, इमर ने, इमर होता है, उसने नमाज नहीं पढ़ने दी जुमे की, मस्जिद में ताला लगवा दिया और लाठी चार्ज करवा दिया। आप बताओ मुसलमानों, तुम किस किस को गाली दोगे, अरे तुम किस किस को गाली दोगे यार। तुम बोलते हो हम पेप्सी का बॉयकॉट करेंगे, हम कोक का बॉयकॉट करेंगे, हम बर्गर किंग का बॉयकॉट करेंगे, हम मैकडॉनल्ड्स का बॉयकॉट करेंगे। अरे यूएई इजराइल के साथ मिलके यमन के टापू पे अपना सैन्य अड्डा बना रहा है, करोगे यूएई का बॉयकॉट बेशर्मो? अपने रिश्तेदारों से कहोगे यूएई की नौकरी छोड़ के हिंदुस्तान वापस आए? अमेरिका खुला इसराइल की मदद कर रहा है, करोगे अमेरिका का बॉयकॉट? कहोगे कि अमेरिका से रिश्तेदार वापस आए? यूनाइटेड किंगडम खुला इसराइल की मदद कर रहा है, अपने रिश्तेदारों से कहोगे कि यूनाइटेड किंगडम से नौकरी छोड़ के हिंदुस्तान वापस आए? या जो भी आदमी यूएई में नौकरी कर रहा है, जॉर्डन तक ईरान के मिसाइल मार मार के गिरा रहा है, और सऊदी अरेबिया, जो वहां पर नौकरी कर रहा है और रियाल कमा रहा है, जो अमेरिका में कर रहा है, जो यूके में कर रहा है, तुम में, तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है कि इन देशों का बॉयकॉट करके अपने रिश्तेदारों से कहो कि वापस आए? है इतना दम? पेप्सी बॉयकॉट करेंगे, बर्गर किंग बॉयकॉट करेंगे, ये बॉयकॉट करेंगे, पिज्जा नहीं खाएंगे और ये नहीं खाएंगे, है दम तुम्हारे पिछवाड़े में इतना कि बॉयकॉट करके आओ? बहरेन का बॉयकॉट करोगे? बहरेन ने जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी, बॉयकॉट करोगे? तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है? तुम्हें अल्लाह ने इतना ईमान दिया है या बेईमान हो? नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी औकात का और तुम्हारे दोहरे मापदंड का मुझसे अच्छा आइडिया किसी को हो नहीं सकता। ठीक, तो मिठाई बटी सीरिया में, मैंने नहीं बांटी भैया। ठीक, मैं किसी की मौत पर मिठाई क्यों बांटी? अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर जो आज का वीडियो है, कि किस तरीके से ईरान, हूती और हिजबुल्ला मिलके पैलेस्टीनियंस का नुकसान कर रहे हैं। लाइमलाइट खींच ले गए। जब तकरीर करी खवानी साहब ने, तो पूरे दुनिया के लोग और मीडिया और मुसलमान उस तकरीर को सुन रहे थे ना। सारा फोटो अपॉर्चुनिटी खींच ले गए, फुटेज खींच ले गए, हिजबुल्ला सारा फुटेज खींच ले गया,
पता भी है तुम लोगों को जो मुझे गाली देते हो बेशर्मो, पता भी है तुम्हें पिछले 10 दिन में फिलिस्तीन में कितना आदमी मारा गया है। जो रजिस्टर्ड लोग हैं मात्र 10 दिन में 150-250 लोग इसराइल वहां बॉम्बिंग में गाजा में मारे गए हैं। तुम्हें पता है कि रेफ्यूजी कैंप की बॉम्बिंग हुई है जहां पे 25-30 लोग मारे गए हैं। तुम्हें पता है पिछले 24 घंटे में वहां पे 17-18 लोग मारे गए हैं। तुम्हें पता है इस टाइम गाजा में क्या भुखमरी है? नहीं नहीं, तुम वो आप भूल गए क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें इतना दिमाग ही नहीं दिया कि इतनी चीजें एक साथ दिमाग में हो। तुम उसे भूल गए। अब तुम वो मार दिया, एक इजरायली मार दिया, वो बम मार दिया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह वल्लाह वल्लाह। अरे ये पूरी एक गंदी स्ट्रेटजी के तहत मुसलमानों तुम्हारा मामू बनाया जा रहा है यार। एक एक लड़ाई में एक फुटेज खाया जा रहा है, मौका परस्ती करी जा रही है और अपनी 1400 साल पुरानी रंजिश की घुमा घुमा के खुंदक निकाली जा रही है। और जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, इसराइल की तुमने एक बात साबित सच कर दी जो वो कहता है कि सारे मुल्क मेरे खिलाफ है। तुमने बिना किसी उकसावे पर उसके ऊपर मिसाइल मार मार के तुमने ये साबित कर दिया कि हमास ही नहीं ये सब मेरे दुश्मन हैं, इस मारे मुझे इनसे लड़ना है। और लोग उसकी बात पर यकीन करने लगे। और इन्हीं रॉकेट्स की आड़ में गाजा में क्या हो रहा है और क्या नरसंहार हो रहा है, ठीक? और तुम खुश हो रहे हो, तुम रीले बना रहे हो, तुम तालियां बजा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अज्ञानता, जहालत, इग्नोरेंस की जिंदगी जी रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खमेनाई, वो आए दुनिया के सामने और उन्होंने कहा कि जो 7 अक्टूबर वाला हमला था हमास का, हम उसकी हमायत करते हैं और वो एक ठीक हमला था और वो सही हमला किया गया। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसराइल को छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे। और बर्बादी हमने देख भी ली, 180 मिसाइल गए और एक दो गड़े वहाँ पे बने इसराइल में और हमने देखी उनकी बर्बादी। और शायद उनको भरने में इसराइल को काफ़ी समय लगेगा, टाइम लगेगा कि इतने इतने बड़े गड़े जो पड़ गए हैं वो इन्हीं की लाशों से भरेगा, वो कैसे उसको भरने हैं तो वो इन्हीं की लाशों से भरेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये जो लबनानी प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी भी है, सेना भी है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि उनको रोक सके। हाँ, अगर लेकिन हिम्मत क्यों नहीं, क्योंकि गिल्टी क्यों है कि अपने ही अंदर संगठन ऐसे मौजूद हैं। और वाकई में बात यह है कि अगर वो गजा की तरफ था और उसी पर ही सीज फायर हो रहे थे, लेकिन हिजबुल्ला वालों ने उसका मुंह मोड़ा अपनी तरफ और कहा आइए और हमारे भी लोग सुख शांति में हैं, इनको भी थोड़ा सा तबाह बर्बाद कीजिए, क्योंकि आपको तो रोकने वाला कोई नहीं है, हम तो हैं जो आप पर करेंगे, आपके आयरन डोम रोकेंगे, एरो 3 रोकेगा, आपके किसी भी सरहद को पार नहीं कर पाएगा हमारा रॉकेट, लेकिन आपके जो आने वाले ना उसको आर्मी और सब कुछ होने के बावजूद कोई रोकेगा नहीं कि भाई आओ और मारो। और गुहार लगा रहा है भाई साहब कि ये सीज़ फायर क्यों नहीं हो रहा, मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, क्या ऐसी वजह है? और वाकई में लबनान की तरफ से एक पत्ता नहीं हिल पा रहा कि उनको रोकें, उनको उनका जो एयर स्ट्राइक है या किसी भी प्रकार से उनका हमला रोके है, लेकिन सिर्फ ये गुहार लगाई जा रही है कि किसी तरह से ये सीज फायर कराओ, इसराइल वाले हमला करना बंद क्यों नहीं कर रहे। तो वाकई में अगर एक देश का प्राइम मिनिस्टर ये चाहता है कि उसके देश में जो बम्बिंग है या जो एयर स्ट्राइक है ये सारी चीज़ें बंद हों, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि उससे देश से किसी भी देश का जो अमन चैन सुकून है वो ख़राब ना हो और वहाँ पे पलने वाली जो जमातें हैं वो किसी तरह से दूसरे मुल्क का जो अमन चैन है उसमें खलल का बाइस ना बने। हालांकि वो बन पाते नहीं हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं अपने आप में कि हम जी ये देखें जी ये रॉकेट जा रहे हैं और ठुस हो रहे हैं रस्ते में ही। और अक्सर लोग समझते हैं कि हम चाहते हैं कि उनके रॉकेट जाएं और 10-12 बंदों को मार दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इनमें ना तो इतनी ताकत है, लेकिन ये ताकत ज़रूर है कि अपने जो लोग हैं अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करवा लें। और उसके चलते हुए देखें, एक आम इंसानी फहम में ये बात आती है कि मुझे पता है कि मेरे में कितनी ताकत है,
मैं इस बड़े आदमी से लड़ सकता हूँ या नहीं लड़ सकता, और मुझे ये भी पता है कि मैं इसको छेड़ूंगा तो ये बाद में मुझे तबाह बर्बाद कर देगा, और ये सब जानते हुए भी मैं पंगा लूँ तो मुझे कौन अकलमंद कहेगा, कौन मुझे कौन कहेगा कि यार मुझसे थोड़ी सी भी अकल मौजूद है। तो यही कर रहे हैं, यही करा लबनान ने, फलस्तीन वालों ने यही करा है, लबनान वालों ने। अगर लबनान वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी और यही ईरान वाले भी कर रहे हैं, इनको चाहिए था कि इनको रोकते, नहीं ईरान ने डायरेक्ट हमला किया। ईरान की जो हुकूमत है उसने ऑर्डर दिया है सर, वो भी इसलिए है कि उसकी सरहद दूर है, अगर उसकी सरहद भी करीब कुछ भी है, लेकिन उसके भी हाल कांपने थे और फिर उन्होंने भी हथियार चलाने भूल जाने थे, वो एक अलग मैटर है। वो तो जब आमने सामने की लड़ाई होगी ना तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से ये लबनान वाले रो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कि ये अच्छा, आप ये देखिए कि अब लबनान वालों में और ईरान वालों में क्या फर्क है। हिजबुल्ला वहाँ पे लबनान से भी हमले कर रहा है रॉकेट से, तो क्या उनके कोई रॉकेट गिर रहे हैं, कोई फट रहे हैं, किसी की कोई जान जा रही है? तो यही किया है ईरान ने भी, उसने इकट्ठे कर दिए व दूर से फेंक दिए, वो भी सारे जो है ना वो वहाँ पे गए हैं गड़े खुदे, फर्क ये सारी चीज़ फर्क है थोड़ा, और हर चीज़ और खबरों में भी थोड़ा सा अंतर है। और जो यही है कि कोई उनका नुकसान नहीं हुआ, उनका नुकसान भी जानी कोई नहीं हुआ, लेकिन उनके जो टारगेट्स हैं उनमें उन तक वो उनके कई सारे जो मिसाइल्स हैं वो पहुँचे हैं। वो अगर आप दूसरा आलमी मीडिया उठाकर देखेंगे तो ऐसी खबरें हैं कि उसने नुकसान पहुंचाया है, और इसको इजरायली भी कई हद तक मानते हैं कि बहुत मिनिमम नुकसान पहुंचा उनको ज़रूर है, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई सारे उनके ऐसे ठिकाने जो हैं वो जहां पे उनकी कीमती चीज़ें जैसे उनके वो एयर स्पेस था वो, या जहां पे उनके वो F-35 जहाज़ थे, या कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर वो कीमती जगहों को टारगेट्स बनाया गया, और ईरान ने बनाया भी उन्हीं जगहों को टारगेट, और वहाँ पे मिसाइल भी आगे से कोई टारगेट नहीं हुआ। हाँ, ये हैरानी की बात है कि इसराइल ने अगर नुकसान हुआ भी है तो उसके बाद अभी वो बेरोध पे गुस्सा निकाल रहे हैं। हाँ, वो बिरोध पे गुस्सा निकलता है, और बिरोध वाला दुआएं दे खुदा के लिए माफ कर दो बाबा, तो ये तब भी आपको सोचना चाहिए था जब आपकी तरफ संगठन फुल जड़ियां छोड़ी जा रही थी। तो ये देखिए आप बर्दाश्त कीजिए, अब दुनिया को बीच में बचाव में आना पड़ेगा, अब दुनिया को आपको गहवार लानी पड़ेगी कि आइए बीच बचाव कराइए, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, और अपने जो ये संगठन हैं इनको खुद ही साफ करिए। अच्छा, ये चीज़ सबको ये भी पता है कि जो है इसराइल है वो किसी कंट्री की नहीं मानेगा, जब तक उसके दिल को खुद को तसल्ली नहीं होगी तब तक वो किसी की भी नहीं मान रहा और ना ही वो मानेगा। ये चीज है कि आप वो लबनान वाले ऐसा भी नहीं होता, देखें जब वो बड़े ममालिक बीच में आते हैं और बीच बचाव कराते हैं, सीज़फायर देखें, सीज़फायर हाँ जब फ़लस्तीन पे अभी तक इतने बड़े अटैक्स नहीं हुए थे तभी बात शुरू हो गई थी, सीज़फायर हो सकता था, और जिस टाइम सीज़फायर हो रहा था उस टाइम पे दोबारा से जाकर हमले हुए, उस वक्त हिजबुल्ला की तरफ से भी हमले हुए, और वो फिर नहीं रुका, उसने कहा चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं करता हूँ, और फिर वो क्या हमासी लीडर क्या गजा पट्टी को तो उसने बिल्कुल साफ सफाई कर दी है, मैप से ही ख़त्म कर दिया है। तो अभी के लिए देखिए वो बेरोत पे चढ़ो, और ये कहाँ जाकर रुकता है ये तो आने वाला समय ही बता सकता है, कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है। और ये देखना कि वो 6-7 जगह से जो है वो उस पे हमले हो रहे हैं, 6-7 जगहों पे वो जो है वो उन हमलों के जवाब जो है वो दे रहा है, लेकिन वो बारी बारी टारगेट बना के जो है वो हमला कर रहा है, वो ऐसे ही जो है जैसे लबनान वालों ने, हिजबुल्ला वालों ने और इधर ईरान वालों ने जैसे इकट्ठे मिसाइल जो है वो ताके उसके ऊपर 100-150 मिसाइल, लेकिन ये देखेंगे वो इस तरह तरीके से जो है वो अटैक नहीं कर रहा, वो बकायदा जो है वो अपने टारगेट बना के जो है उनको अटैक कर रहा है, जिस जगह पे वो अटैक कर रहा है वो जगह तो वो जो है वो मैप से वैसे ही साफ कर रहा है वो जगह। और हमारे जो सुप्रीम लीडर साहब हैं या कोई और भी लीडर हैं वो अपने लोगों को मरवाने में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है, और फिर वो अब देखे जुमे के रोज़ आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है जी हम इसरा इसे लड़ेंगे, हमने जो है ना ये उस पर हमला किया ये सब कुछ कहें, लेकिन अगर आप उस पर ये सारा दुनिया को बताने की कोशिश करें कि भाई 7 अक्टूबर वाला जो हमला था फलस्तीन का वो ठीक था, ये गलती तो उन्होंने खुद तस्लीम कर ली है, तो फिर वो कहते हैं कि अगर वो ठीक था तो फिर ये भी ठीक है जो हो रहा है, तो फिर यही वजह है कि हम अपने लोगों को खुद मरवाने में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है, और आप यार मुझे मार जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो मुसलमान चल रहे हैं, और ना ही हमें कोई अकल है और ना ही हम कुछ अकल हासिल करना
चाहते हैं कि भाई हम कुछ जो है ना वो कर सकें। अब देखिए वो सारा कुछ रुकने वाला था, अब दो लड़के गए हैं, उन्होंने जाके 10-12 जो है ना उनके फौजी मार दिए और खुद भी वो वहाँ पे मारे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए वो दो ही लड़के क्यों गए हैं, बाकी क्यों नहीं जा रहे? अगर वैसे भी तो आप लोग मर ही रहे हो, तो अगर आप कहेंगे नहीं हम हथियार उठा के अपनी हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए फिर हम मरें, तो ऐसे भी तो मर ही रहे हैं। तो चीज़ें यही हैं कि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है तो फिर हमें ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। जब हमारे अंदर काबिलियत ही नहीं है तो किसी को छेड़ना भी नहीं चाहिए जो कि अपने आप को काबिल जिसने बनाया हुआ है। भाई मैं वो भी रिपोर्ट्स थी कि इसराइली जो आम सिविलियंस हैं उन्होंने मारा है उनको, क्योंकि हाँ। वो हर एक बंदा ट्रेनिंग लेके फिरता है, हर एक बंदे के पास। बिल्कुल, आप देखिए ना कि आर्मी के कुछ बंदे वहां पे बैठे होंगे तो उन पे जाके उसने हमला किया और उनको उन्होंने मार दिया, लेकिन वहां पे जब सिविलियंस आगे पड़े उनके पास ट्रेनिंग थी वो भी समझ लेंगे, उनकी जो आम आदमी भी जो है जो इसराइल के वो भी आर्मी में ही समझ लेंगे बैठे हुए, क्योंकि सब ने ट्रेनिंग ली हुई है और वो अपना दिफा करना जानते हैं, उन्होंने हर एक को अपने को काबिल बनाया हुआ है। और हमारे यहाँ देख लीजिए कि हम यहाँ पे बस जो है ना वो अपने आप को ना तो हमने काबिल बनाया है और ना ही हम दूसरे को छेड़ने से बाज आते हैं कि भाई आप भी अपना काम करो हम भी अपना काम करें, लेकिन हम कहते हैं कि भाई आओ और हमें मारो। वो जो हमने संगठन बनाए हुए हैं, एक समय ऐसा था जब इसी तरह से ज्यूस को मारा जा रहा था, वो भी मार खा रहे थे, वो भाग गए फिर दुनिया में जाकर छुपे, और ये तो 1947-8 में जाकर दोबारा यहाँ पे बसाया गया है बंगालिया की तरफ से, जगह लैंड परचेज करी गई है। फिर देखिए इस कुछ अरसे में ही उन्होंने अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया है। तो अगर तो ये मुसलमान अपनी बका चाहते हैं, वहाँ के फलस्तीन वाले, लुबनान वाले और जॉर्डन वाले या छोटे छोटे जो जो देश हैं, इनको भी अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, नहीं तो सुकून अमन और शांति से रहें और जिए और जीने दें। अगर आप इस पॉलिसी पे चलेंगे तो कोई भी मसला किसी दुनिया में रहेगा नहीं, लेकिन आप किसी को छेड़ते भी रहें, तंग भी करते रहें और कहें और बच भी जाएं, फिर ये हो नहीं सकता। तो ये होने वाला है, जो हो रहा है ये आप लोगों ने अपने मुकद्दर में खुद ही लिखा है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए